नमस्कार दोस्तों, स्टार्टअप शाउटर में आपका स्वागत है। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गूगल पे का एक नया फ्रॉड आया है उसके बारे में। काफ़ी दिनों से आप देख रहे होंगे कि मेरे चैनल पे कोई नया वीडियो नहीं आ रहा था। थोड़ी सी मेरी हेल्थ ख़राब थी, तबीयत ख़राब थी और थोड़े से घर में कुछ काम थे। फिर उसके बाद मैं भी थोड़ा सा डीमोटिवेटेड हो गया था। आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हो, इसलिए ये सब रिक्वेस्ट मैं बाद में करूँगा। बस ऐसे ही बता रहा था आपको कि थोड़ा सा काफ़ी दिन से वीडियो नहीं ला रहा था, पर अब आई थिंक आई होप कि अब डेली एक वीडियो आएगा। तो अगर आप इस वीडियो को नया देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर लेना। पर पहले काम की बात करते हैं, आपको फ्रॉड के बारे में बताता हूँ। फ्रॉड क्या है? मैं एक फेसबुक का पोस्ट देखा, उसमें पता चला कि भाई साहब एक नया फ्रॉड है। मैंने सोचा चलो इसको चेक करते हैं। मैंने चेक किया, वो सच में पूरा का पूरा फ्रॉड निकला। तो अब हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। पर मेरा एक और पास्ट एक्सपीरियंस है जिसके बारे में मैंने वीडियो नहीं बनाया है, तो मैं उसको भी इसमें इंक्लूड करना चाहूँगा। मैं आपको दो तरीके बताऊँगा जिससे ये लोग फ्रॉड करते हैं। दोनों काफ़ी हद तक सेम ही है, बस थोड़ा सा अंतिम में जाके उसका तरीका अलग हो जाता है। पहले आप समझो रीसेंट वाला फ्रॉड क्या चल रहा है, ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें क्या है कि ये लोग एक अलग वेबसाइट बना रहे हैं और उसके बाद गूगल ऐड चला करके उस वेबसाइट को टॉप पर रैंक करा रहे हैं और फिर वहाँ से फ्रॉड कर रहे हैं। कौन सी वेबसाइट बना रहे हैं? किसी भी नाम से पूरी वेबसाइट बना लेंगे, उसको गूगल पे हेल्पलाइन नंबर नाम के कीवर्ड पे ये लोग एडवर्टाइज़ चला देंगे। अब गूगल एडवर्टाइज़ कैसे काम करता है, पहले आप ये समझो कि किसी भी कीवर्ड पे आप अपनी वेबसाइट को रैंक करा सकते हो। उसके लिए आपको एडवर्टाइज़ चलाना होगा। एडवर्टाइज़ में क्या होता है, देखो किसी वेबसाइट को रैंक कराने के दो तरीके हैं। या तो आप सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन करो और वेबसाइट को टॉप पे ले आओ, या तो आप गूगल को पैसे दो, येलो कार्ड खरीदो। एक तरीके का येलो कार्ड होता है एडवर्टाइजिंग सेक्शन में कि वो आपकी वेबसाइट को टॉप पे दिखाएगा। गूगल ऐसे ही पैसा कमाता है, ठीक है। तो उन्होंने क्या किया है कि उन्होंने अपनी एक फ्रॉड वेबसाइट बनाई, उसमें उन्होंने गूगल हेल्पलाइन नंबर की जगह अपना नंबर दे दिया है और ऐड चला करके उसको टॉप पे रख दिया है। अब जब भी आप गूगल पे सर्च करोगे गूगल पे हेल्पलाइन नंबर करके, उनकी वेबसाइट टॉप पे आएगी। टॉप पे आएगी, आप उस पर क्लिक करोगे, क्योंकि भाई पहला रिजल्ट ही सब लोग खोलते हैं। आप पहले रिजल्ट पे क्लिक करोगे, आपको जो भी नंबर मिलेगा, आपको तो पता है नहीं कि कौन सा सही नंबर है कौन सा गलत है, आप उस पर क्लिक करोगे, आप उस पर कॉल करोगे, बताओगे कि सर मेरा ऐसा ऐसा ट्रांजेक्शन है, ये प्रॉब्लम आई है, फिर वहाँ से उनका फ्रॉड चालू होगा। मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग भी है, मैं उस वक्त स्क्रीन रिकॉर्ड करना भूल गया, थोड़ा सा ध्यान नहीं दिया मैंने। तो मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग है जो मैं इस वीडियो के लास्ट में ऐड कर दूंगा, आप उसको ज़रूर सुनना। उसमें क्या है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं बोला है, मैंने ऐसे बात की उससे जैसे कि मैं एकदम नया हूँ और मुझे नहीं पता है। एक्चुअल में मेरे अकाउंट में 4 रुपये बैलेंस थे, पर मैंने उसको बताया कि मैंने 99 रुपये का ट्रांजेक्शन किया अपने फ्रेंड को और वो पहुंचा नहीं है, जो कि ऐसा कुछ है नहीं, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं जानता था ये सब चूतिया पाए, इसलिए मैं शुरू से ही फंसा रहा था उसको। बाकी मैंने उसको लास्ट में भी कुछ बोला नहीं है, लास्ट में मैंने बहाने से फ़ोन काट दिया। मैंने उसको कुछ नहीं बोला, मैं शांति से निकल आया। मैंने बस चेक करना था कि क्या ये सही में वही है जो मुझे लग रहा है, और ये सच में वही निकला। वो क्या करते हैं कि जैसे मान लो फॉर एग्जांपल, मैंने उनको जो कहानी बताई वही कहानी मैं आपको बताता हूँ कि मैंने उसको फ़ोन किया, हेल्पलाइन नंबर मुझे नंबर मिला, मैंने फ़ोन किया, मैंने उसे कहा कि सर ऐसा है कि मेरे एक फ्रेंड को रिचार्ज करना था और उसने कहा कि मुझे 99 रुपये भेज दो। मैंने उसे 99 रुपये भेजे, मेरे अकाउंट से पैसे कट गए, उसको नहीं पहुँचे, बस इतने, ठीक है, जबकि मैंने कुछ नहीं किया था। अब वो कह रहा है कि अच्छा ठीक है, जब आपने ट्रांजेक्शन किया था तो आपका अकाउंट बैलेंस कितना था, ये उसको जानने की क्या ज़रूरत है? कोई ज़रूरत नहीं है। क्या उससे क्या मतलब मेरे अकाउंट में कितना बैलेंस है? आप ट्रांजेक्शन अगर सही कर सकते हो उसको सही करो ना। मैंने बहाने में बोल भी दिया कि आपको मतलब ट्रांजेक्शन आईडी चाहिए तो मैं वो भी दे देता हूँ। कोई भी ट्रांजेक्शन आईडी मैं पढ़ देता, कौन सा उसको पता चलता सही है कौन सा गलत है। पुरानी ट्रांजेक्शन आईडी पढ़ देता मैं, पर उसने उस तरफ वो गया ही नहीं, वो बिल्कुल टेक्निकल साइड में गया ही नहीं, वो मोटा मोटा खेलता रहा। उसने कहा कि आपके अकाउंट में कितना पैसा है, मैंने बोल दिया 1800 था, 99 रुपये भेज दिया, 1700 कुछ रुपये बचे, अभी कितना बोला एग्जैक्टली मुझे वो भी नहीं याद है। फिर उसने कहा कि अच्छा ठीक है आप गूगल पे में जाइए। मैं गया, मुझे लगा मेरा जो पास्ट एक्सपीरियंस था उसके हिसाब से मुझे लगा था कि ये मुझसे 1700 रुपये रिक्वेस्ट करेगा। UPI में रिक्वेस्ट का सेक्शन होता है ना, सेंड और रिक्वेस्ट का, तो मुझे लगा ये 1700 रुपये रिक्वेस्ट करेगा और मुझसे बोलेगा कि मैं उसमें UPI पिन डाल के ट्रांजेक्शन कम्प्लीट करूँ तो मुझे पैसे वापस आएंगे। पर इस बार नहीं, इस बार ये लोग एक स्टेप आगे थे, थोड़ा सा भरोसा जीतने टाइप का था। इन्होंने क्या किया, इन्होंने मेरे नंबर के आगे @SBI करके उसी समय एक नया UPI ID बनाया इन्होंने, ठीक है, UPI ID एक नई ID बनाई मेरे नंबर की, ताकि मुझे लगे कि ये लोग सही हैं, ये लोग जेन्युइन हैं, जो कि है नहीं। मेरे नंबर की UPI ID इन्होंने अपने पास बनाई और फिर मुझे कह रहे हैं कि इस UPI ID पे आप 1700 रुपये सेंड करो। सीधे सीधे नहीं बोलेंगे कि सेंड करो,
सीधे सीधे बोल देंगे सेंड करो तो आदमी समझ ही जाएगा। ये आपको घुमाएंगे कि अब इस पर क्लिक कीजिए, अब यहाँ 1700 लिखिए, अब यहाँ पर ये रीज़न लिखिए, आपको सोचने का मौका ही नहीं देंगे। ये आपको बस बात में फंसा के करवाते रहेंगे, हाँ अभी यहाँ क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो, यहाँ क्लिक करो, इससे पहले कि आप पढ़ो आपसे हो क्या रहा है, उसमें लिखा क्या है, वो करवाएंगे आपसे। मेरे से क्या करवाया, 1700 रुपये लिखवाया, और फिर उस जो उन्होंने मेरे नंबर की अपनी UPI ID बनाई थी उस पर एक नया ट्रांजेक्शन करवा के उन्होंने 1700 रुपये लिखवाया और कहा कि इस पर UPI PIN डालिए, जैसे ही सक्सेसफुल हो जाएगा मेरे पास, मेरे बैंक में 99 रुपये वापस आ जाएंगे। मुझे पता था, इसलिए मैंने बैंक में पैसे रखे ही नहीं थे, मेरे पास 4 रुपये थे, मैंने इनको दिखाने के लिए किया भी और हुआ ही नहीं क्योंकि पैसे थे ही नहीं। पर इनका पूरा कॉन्सेप्ट क्या है कि आप गूगल पे सर्च करोगे, गूगल एक जेन्युइन वेबसाइट है, आप वहाँ सर्च करोगे, सबसे पहले इनकी वेबसाइट देखेगी, ना चाहते हुए भी एक मतलब कि समझदार इंसान तो चलो भरोसा नहीं करेगा, पर जिसको कम पता है टेक्नोलॉजी का, कुछ लोग होते हैं, बहुत सारे लोग हैं जिनको टेक्नोलॉजी का कम पता है, हर कोई टेक्नोलॉजी में थोड़ी घुसा हुआ है, लोगों की और भी लाइफ है, लोग और भी बहुत कुछ करते हैं, तो जिसको नहीं पता है वो सर्च करेगा, उसे नंबर मिलेगा, कॉल करेगा, बताएगा सर ये प्रॉब्लम है, वो बातों में अगर घुमा लिए हो गया। अभी इनको एडवर्टाइज़ क्यों चला रहे हैं, क्योंकि इनको एडवर्टाइज़ सस्ता पड़ रहा है। एडवर्टाइज़ में ऐसा होता है कि जिस कीवर्ड पे बहुत सारे लोग एडवर्टाइज़ चला रहे हैं उस पे बिडिंग ज़्यादा होती है और वो कीवर्ड महंगा हो जाता है। अब गूगल पे हेल्पलाइन नंबर नाम के कीवर्ड पे तो कोई एडवर्टाइज़ चला ही नहीं रहा है, बहुत सस्ता है, मुश्किल से इनको 1 पैसे 2 पैसे में एक क्लिक मिल जा रहा है, और ये उस क्लिक के हिसाब से अगर इनका मान लो एडवर्टाइज़ में 5 रुपये खर्च होता है, 100 लीड जनरेट होती है जिसमें से 2 बंदे भी ये फंसा लेते हैं, तो इनका आराम से 5000 10000 2000 3000 बन जाएगा, 5-10 रुपये में, मुश्किल से 5-10 रुपये में 2-3000 रुपये इनका बन जाएगा। ये पूरा इनका स्कैम है, ठीक है, ये तो वो स्कैम है जो मैं अभी अभी मतलब कि देखा, मैंने मैं ऐसे ही बैठा था, मेरे मन में आया चलो देखते हैं, मज़ा लेते हैं थोड़ा सा, तो मैंने किया। अब इसकी आप कॉल रिकॉर्डिंग लास्ट में सुन लेना, पहले आप सुन लो इससे पहले वाला स्कैम, क्योंकि वो भी आपका जानना ज़रूरी है, उसमें फंसने के चांसेस काफ़ी लोगों के ज़्यादा होते हैं। उसमें क्या होगा कि YBL यानी कि ये जो हमारा फ़ोन पे है, फ़ोन पे में आप नंबर के अलावा किसी भी नाम से आप UPI ID बना सकते हो, ये फ़ोन पे की सर्विस है, और उसका लोग बहुत गलत फ़ायदा उठाते हैं। वो क्या करेंगे, cashback@YBL या फिर cash_back@YBL ऐसे करके कोई भी UPI ID बना लेंगे, आपके नंबर पे वो रिक्वेस्ट करेंगे पैसे। जैसे उन्होंने 2200 रुपये रिक्वेस्ट कर दिए, मेरे साथ क्या हुआ था, 2200 रुपये उन्होंने रिक्वेस्ट किया, उसके बाद मुझे कहते हैं फ़ोन करके कि सर आपके पास 2200 रुपये का कैशबैक आया है, कैशबैक रिसीव करने के लिए उस पर जा कर के UPI PIN डाल के अपना बैलेंस चेक कर लीजिए। उन्होंने पैसे रिसीव रिक्वेस्ट किए हैं, अगर मैं उस पर UPI PIN डालूँगा तो ट्रांजेक्शन कम्प्लीट हो जाएगा, क्योंकि पूरा सिस्टम ऐसा है कि रिक्वेस्ट का सेक्शन ऐसा है कि मैं पैसे रिक्वेस्ट किया, आपके पास रिक्वेस्ट गई, आपने UPI PIN डाला, मैंने जो अमाउंट सेलेक्ट किया वो अमाउंट अपने आप मेरे अकाउंट में आ जाएगा। तो कभी भी अगर आपको कोई कैशबैक के लिए फ़ोन करता है तो बिल्कुल मत जाना भाई साहब, कैशबैक डायरेक्ट अकाउंट में आता है, कोई UPI PIN डालने की ज़रूरत नहीं पड़ती। और किसी भी फर्जी के कैशबैक से बच के रहो, आज के समय में कोई पैसा फ्री का देता नहीं है, कंपनी तक नहीं देती आपको फ्री का पैसा, 2200 रुपये 2500 रुपये 1500 रुपये 1499 रुपये, ये सब फंसाने का तरीका है, मत जाओ मेरे भाई, स्कैम है ये, मैं देख रहा हूँ ना। आप कॉल रिकॉर्डिंग सुनो, आपको मज़ा आएगा, कोई गाली नहीं दी मैंने, बहुत तरीके से बात किया, बहुत तमीज़ से बात किया, आपको लगेगा, आपको भी लगेगा कि मैं फंस रहा हूँ, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि इस तरीके से बात करनी चाहिए कि उसको लगे मैं फंस रहा हूँ, पर एक्चुअल में मैं फंस नहीं रहा था, ठीक है, इतना चूतिया थोड़ी ना मैं कि अपने पैसे दे दूँ मैं लोगों को, और वो भी इस चूतिया पे नहीं, पर हाँ थोड़ा सा गूगल ऐड चला है, ये थोड़ा सा एडवांस है, थोड़ा सा नया है, इसलिए मुझे लगा कि वीडियो में बताना ज़रूरी है। अब आप सुन लो कॉल रिकॉर्डिंग। हेलो, हाँ जी कौन, आपने गूगल पे में कॉल किए थे? हाँ जी भैया, अरे वो सर वो 1 घंटे बोला गया था, अभी तक आया नहीं मेरा पैसा रिफंड। कितना सर? 99 रुपीज सर। किस तरह हुआ था बताइए सर। मैंने एक दोस्त को अपने मतलब उसको रिचार्ज करना था, हाँ, तो मैंने उसको 99 रुपीज पे किए, मतलब उसको हाँ, करना था, उसने बोला कि पैसे भेज दो मैं कर लेता हूँ, हाँ, तो मैंने किया सर, उसके पास पैसा गया नहीं और मेरे अकाउंट से कट गया। सॉरी सर, दो रिफंड कर देंगे, ठीक है। हाँ सर, हाँ जी, पहले गूगल पे ओपन कीजिए ना, अभी चेक कीजिए अवेलेबल सो कितना कर रहा है अभी। अवेलेबल सर अभी है, एक मिनट देख के बताता हूँ। हाँ देखिए बताइए, सर 1722 रुपये 1722 रुपया है ना? जी सर। जी जी जी
हाँ गूगल पे को थोड़ा सा बैक हो जाए, थोड़ा सा बैक हो जाइए। हाँ हाँ सर, जी देखो न्यू पेमेंट दिख रहा है, न्यू पेमेंट। हाँ तो एक मिनट सर, मैंने काट दिया उसको। उसको गूगल को ओपन करो। हाँ सर, हाँ न्यू पेमेंट दिख रहा है, हाँ सर, उसमें क्लिक कीजिए। हाँ देखो यूपीआईडी स्कैनर कोड दिख रहा है, यूपीआईडी स्कैनर कोड होगा। हाँ सर, हाँ हाँ यूपीआईडी में क्लिक कीजिए। आपका गूगल पे का यही नंबर की अलग नंबर है आपका, यही है सर। जो बात कर रहे हैं यही नंबर है ना जी सर, जी? लैंड पुरु को 1 सेकंड चेक कर लेता, आपको यही नंबर है ना? जी सर, आप कहें ना आपको ट्रांजेक्शन आईडी बोल के बता दीजिए। 1 सेकंड वेट कीजिए, मैं आपको नंबर पहले कॉन्फर्म कर लेता हूँ ना। आपका नंबर है 76 सेवन और सिक्स गूगल पे का यही नंबर है ना? जी सर, हाँ जी। यूपीआईडी में क्लिक किया। हाँ सर, हाँ यूपीआईडी में क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर, गूगल पे का नंबर एंटर करो। ओके सर, 7 6 5 1 9 8। हाँ सर, एंटर हाँ किया, सर, उसके बाद लगाइए एट द रेट, एट द रेट, हाँ, एट द रेट छोटा अक्षर से SBI दीजिए। SBI एट द रेट दिया। एट हाँ द रेट जी, SBI, हाँ जी एट द रेट SBI दिया ना। हाँ सर, हाँ 1 सेकंड वेट कीजिए, मैं प्रोसेस चेक कर लेता हूँ, ठीक है? तो जो रिच आपने उसको जो सेंड किए थे, तो आपको अकाउंट से पैसा कट गया, उसका अकाउंट में पैसा शो नहीं किया था ना, सर उसके पास पहुंचा ही नहीं पैसा। वो आपको अकाउंट से पैसा कट गया, उसका जी अकाउंट सर, पहुंचा ही नहीं ना, जी सर, मेरे पास पैसा कटने का मैसेज भी आया, पर अभी तक पैसा वापस पैसा नहीं आया सर। मैं सुबह कटने। 6 बजे के लगभग आसपास किया था, दो हाँ बार फोन भी कर चुका हूँ सर, पर कुछ हुआ ही नहीं। वो ठीक है ठीक, दो कस्टमर से बात नहीं हुआ था हुआ था सर, तो क्या उन्होंने बोला कहा, आपने? पहली बार उन्होंने बोला आधे घंटे में आ जाएगा रिफंड, दूसरी बार बोला 1 घंटे में, अभी तक हाँ कुछ आया ही नहीं। हाँ ठीक है, उसको वेरीफाई कीजिए, इसको वेरीफाई कीजिए। सर समथिंग वेंट रॉन्ग बता रहा क्या सर? यहाँ पर मैंने अपना नंबर बोल दिया था, इसलिए मैं इतना पार्ट म्यूट कर दे रहा हूँ, बस कंप्लीट हो SBI, जाए। SBI के SBI दीजिए, 3 अक्षर छोटा अक्षर में। हाँ सर, स्मॉल में SBI है हाँ तो उसको वेरीफाई कीजिए। सर, वो नहीं हो रहा, क्या बता रहा है? एक मिनट फिर से ट्राई कर देते हैं। मोटर कीजिए। लोडिंग हो रहा है सर। हाँ कीजिए। हाँ हाँ सर, ये जोशी बाबू इंदु पल्ली बता रहे हैं। हाँ हाँ उसको ओके कीजिए, ओके कीजिए, ओके कीजिए, हाँ सर, ओके किया। हाँ सर, हाँ उस वक्त क्या प्रोसेस आया? सर द पर्सन इज नॉट इन योर कॉन्टेक्ट लिस्ट, कंटिन्यू ब्लॉक, और ये ऑप्शन दे रहा है। कंटिन्यू में कीजिए, कंटिन्यू में। हाँ सर, उस वक्त क्या ऑप्शन आया कंटिन्यू के बाद? सर अभी तो ये हैंग कर गया। हाँ अभी बस ये पे रिक्वेस्ट का ऑप्शन दे रहा, बस हाँ वापस पे में क्लिक कीजिए, पे में क्लिक कीजिए। सर, पर पैसे तो लेने हैं ना सर। नहीं, पैसा लेना है आपको, बिल्कुल लेना है। अपना मोबाइल नंबर एंटर किया, पहले वेरीफाई होगा तब ना आपको मैं बताऊंगा, प्रोसेस आएगा, आपको बैलेंस लिखने का ऑप्शन आएगा, मैं बताऊंगा ना आपको कितना लिखना है ना। अच्छा सर, हाँ जी, उसको पे में क्लिक किया, हाँ सर, उसके बाद क्या ऑप्शन आया? सर अब बस वही जैसे ट्रांजेक्शन करते हैं वही ऑप्शन दे रहा सर। जीरो दिखा रहा है ना? जी सर, हाँ जी, बिल्कुल आपने सही बोला। सबसे पहले अभी आपने कितना बोला आपका गूगल पे बैलेंस अभी कितना है? सर 1722 रुपये सर। हाँ तो वहाँ ओनली 1700 ऐड कीजिए, ऊपर में 1700 ऐड कीजिए, हाँ सर, 1700 फुल ऐड किया। हाँ सर, हाँ उसके बाद देखो व्हाट दिस फॉर लिखा, व्हाट दिस फॉर, हाँ सर, हाँ उसमें व्हाट दिस फॉर में क्लिक करो। हाँ सर, लिख है हाँ उसमें आपको कितना रिफंड चाहिए अभी? 99 सर। नाइनटी नाइन वहाँ ऐड कीजिए। हाँ हाँ सर, उसको प्रोसेस आगे कीजिए। हाँ हाँ सर, देखो प्रोसेस टू पे आया। एक मिनट सर, पेमेंट प्रोसेसिंग बता रहे हैं तो। हाँ देखो अगर सक्सेसफुल होगा तो आपका बैलेंस तुरंत वापस आएगा, ठीक है? अरे सर, ये UPI पिन डालने का दे दिया। हाँ यूपीआई पिन डाल के एक्सेप्ट कीजिए, देखो अगर सक्सेसफुल हो गया तो समझ लो आपको पैसा आ गया, ठीक है? हाँ सर, हाँ पिन डाल के एक्सेप्ट किया। हाँ सर, कर दिया, हाँ देखो सक्सेसफुल हुआ कि पेंडिंग हो रहा है सर? देख लीजिए, प्रोसेसिंग बता रहे सर अभी। जी लाइन पे रुको। सक्सेसफुल हो रहा है? नहीं सर, ट्राई अगेन दे रहा है। वी आर हैविंग ट्रबल रीचिंग योर बैंक, ओके इफ योर अकाउंट हैज बीन डेबिटेड विद द चार्ज। वही सर, वही जो पहले दिया था वही अभी भी दे रहा है सर। अभी भी दे रहा है हाँ सर, तो क्या बता रहा है वो? पेंडिंग सक्सेसफुल क्या बता रहा है? पेंडिंग बता रहा है सर। पेंडिंग बता रहा है, पेंडिंग तो सक्सेस अभी सोचती लेता हूँ बैलेंस वापस। सर सक्सेसफुल नहीं बता रहा है? नहीं सर, पेंडिंग बता रहा हाँ देखो सक्सेसफुल बताएगा तो हो जाएगा, देखो ना सक्सेसफुल बता रहा है, नहीं सर, दोबारा से करके ट्राई करता हूँ, दोबारा से कीजिए ना। रिट्राई कर रहा हूँ सर।
अपना मोबाइल नंबर एंटर किया, मोबाइल नंबर। हाँ सर, एंटर किया सर। अच्छा अमाउंट मांगेगा वो हमको बोलना, हम दूसरा कोड बताएंगे, ठीक है। हाँ ठीक है सर। मोबाइल नंबर देखे, ऐड द रेट देखे, चल फिर छोटा वही दे रहा है सर, ट्राई अगेन ही दे रहा है सर। नहीं अमाउंट कम लिखना है सर जी। जहाँ देखो आपने 1700 लिखा ना, हाँ सर। वहां लिखिए 1499 लिखिए, 1499 लिखिए। जहाँ सर 1700 लिखा ना, ये बार बार फेल्ड हो जा रहा है सर। फेल बता रहा है। हाँ सर, अब मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज देता हूँ सर। वन सेकेंड वेट कीजिए। सबसे पहले आप अपना मोबाइल को एक मिनट सर, पैसे, मैं अभी एक कॉल पे था सर, मैं थोड़ी देर में आपको फोन करूँ सर, तो नहीं होगा सर जी, कॉल कटने के बाद फिर नहीं होगा ना, मैं कर दूंगा ना सर कॉल आपको तो अब दूसरा कॉल भी आकर बिजी रहेंगे तो फिर नहीं रिसीव हो पाएगा ना। सर वो जब। तो भाई वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर ही देना, क्योंकि देखो मैं स्कैम स्कैम में मतलब ऐसा बड़ा काम करने लगा हूँ, अब लोगों को मतलब ऐसा निकालने लगा हूँ, स्टिंग ऑपरेशन करने लगा हूँ, तो लाइक कर देना ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और हाँ, अब इस चैनल का नाम है स्टार्टअप शाउटर, तो मैं इस चैनल पे अब स्टार्टअप के बारे में बताना चालू करने वाला हूँ। जल्दी ही मैं ऐसे वीडियोस लाने वाला हूँ जिसमें मैं कि कोई भी यूनिक स्टार्टअप उठाऊंगा, उसको पूरा समझाऊंगा कि ये पूरे स्टार्टअप का मॉडल क्या है, कैसे पैसे कमाता है, आप ऐसा कुछ कैसे कर सकते हो, या फिर ये कैसा है। आई मीन आपको स्टार्टअप के बारे में पता होना चाहिए, नॉलेज इज़ एवरीथिंग। आपके पास नॉलेज हुआ तो आज नहीं कल कहीं ना कहीं उसका यूटिलाइजेशन होगा ही होगा। तो अब मैं स्टार्टअप के बारे में जल्दी ही वीडियोज़ लाने वाला हूँ, और थोड़े से इन्फॉर्मेशनल वीडियो भी लाऊंगा नॉर्मल टॉपिक्स पे, इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस पे, जैसे कि केबीसी से जुड़े कुछ ज़रूरी चीज़ें, आई मीन ज़रूरी इंटरेस्टिंग चीज़ें, इस टाइप के वीडियोस में जल्दी ही लाने वाला हूँ। और स्टार्टअप के बारे में लाने वाला हूँ कि जैसे रेयर स्टार्टअप क्या है। और हाँ, मैंने भी एक स्टार्टअप नहीं, मैंने एक एनजीओ टाइप का एक चालू किया है, अगर आप चाहो तो देख सकते हो, आपको अच्छा लगा तो उसको भी सब्सक्राइब कर लेना। और उस पूरा कॉन्सेप्ट ऐसा है कि मैं डोनेशन लेकर के पेड़ लगाता हूँ, मेरे एनजीओ का नाम है प्लांट माई ट्री, आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का भी लिंक मिल जाएगा, मेरा सेकंड चैनल है, वहाँ पर हम प्लांट लगाते हैं, जो कि काफ़ी मुझे ऐसा लगता है, अंदर से लगता है कि अच्छा काम है, मुझे अच्छा लगा, कोई प्रॉफिट नहीं है उसमें, बल्कि बहुत सारे पैसे मेरे जेब से चले गए हैं, पर मुझे अच्छा लगता है, मैं कर रहा हूँ। अगर आपको सही लगता है तो आप भी उस चैनल पर आइए, आपकी बहुत इच्छा है कि आपके नाम का भी पेड़ लगे तो आप वहाँ डोनेट कर सकते हैं, वहाँ का जो भी सीन है आपको वहाँ पता चल जाएगा। मैं बस बता रहा हूँ कि जैसे आप मेरे चैनल के बहुत अच्छे सब्सक्राइबर हो, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तो आप उस चैनल को भी फॉलो कर सकते हो, वहाँ पर भी आपका स्वागत है, और चैनल मेरे दोनों हैं। मैं तो चाहूँगा कि भाई मेरे सारे दोस्त दोनों जगह रहें, आपको जैसा ठीक लगे आप उस हिसाब से चुन सकते हैं। वीडियो लाइक कर दिया, चैनल सब्सक्राइब कर दिया, बस काम खत्म, वीडियो एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।